गणेश चतुर्थी पर्व पर गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में घरों और मंदिरों में भगवान गणेश की आराधना की गई। शहर के विभिन्न पांडालों में भी गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष के बीच प्रतिमाएं स्थापित हुई। वहीं पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन कर भक्तों ने भगवान गणेश से सुख समृद्धि की कामना की। इसी क्रम में पांडेहाता चौराहे पर सिद्धि विनायक समिति द्वारा विगत 18 वर्षों से विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है और भगवान गणेश की पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए विवेक सिंह व सुरेंद्र गुप्ता ने बताया, यह प्रतिमा 2006 से आज 18 वर्षों से लगातार बैठाई जाती है। क्या ये पांडेहाता जो शहर का बहुत पुराना मार्केट कहा जाता है, यहाँ पर लगातार 18 वर्षों से हम लोग बैठाते हैं और ये 10 दिन का कार्यक्रम होता है। लगभग 2 से 3 हज़ार की बल्क संख्या में रोज भीड़ आती है और आरती के समय भी ये संख्या रहती है। हम लोग पूरी व्यवस्था करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे रोड खुला हुआ है और आरती के समय बस हम लोग थोड़ा सा रोड बंद करते हैं तो एक गली पीछे से जाती है जो इधर निकल जाती है, जो मार्ग डाइवर्ट कर देते हैं, हम लोग रोड डाइवर्ट कर देते हैं तो लोगों को असुविधा नहीं होती है और सबके सहयोग और समर्थन से हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है और अच्छे से ये कार्यक्रम हो जाता है। हाँ, इस बार हम लोग एक नया कार्यक्रम ऐड किए हैं। वैसे तो 10 दिन हम लोग लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं, जैसे 11,000 भव्य दीपों का एक महोत्सव करते हैं, 56 भोग करते हैं, 501 किलो का लड्डू का भोग बप्पा के दरबार में लगाते हैं। इस बार एक रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन हम लोग किए हैं जिसमें जो लोग रंगोली बनाने के लिए इच्छुक होते हैं वो लोग इच्छुक लोग यहाँ पर रंगोली बना सकते हैं और अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने ला सकते हैं और उस प्रतिभा को मंच देने का काम भी सिद्धि विनायक समिति कर रही है। तो इसके लिए एक वजह है कि आज अयोध्या की धरती पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, उसी क्रम में फिर सिद्धि विनायक समिति ने भी इस खुशी को मनाते हुए और श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की खुशी को जताते हुए भगवान श्री राम की भी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित किया माता सीता के साथ। ये पांडेहाता गोरखपुर पांडेहाता ये आपका 2006 से बैठाया था, 18 साल हो गए। यहाँ पर रोज आरती में कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग आते हैं। बाकी जो हमारा 56 भोग है, लड्डू भोग है, 500 किलो लड्डू भोग है, ये यहाँ पे भी 10 हज़ार लोग आते हैं लमतम लड्डू भोग के दिन। उसके बाद मंगलवार को हमारा 11,000 दीप महोत्सव का कार्यक्रम होता है, उस दिन रंगोली प्रतियोगिता काम का, उस दिन कम से कम 10 से 20 हज़ार लोग देखने आते हैं, भगवान गए भगवान का दर्शन करने आते हैं और यहाँ पूरी भीड़ रहती है। दिन मंगलवार को यहाँ पे दुकानें बंद रहती हैं, इस हिसाब से हम लोग मंगलवार को यहाँ पे दीप महोत्सव का कार्यक्रम करवाते हैं। जी, हम लोग हर साल कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, ये नहीं है कि ये करने हो गए, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। इस बार भगवान अयोध्या में दो मंदिर बना श्री रामचंद्र का, उसके भव्य स्वागत के लिए हम लोग भी राम सीता मैया का अब स्थापना किए हुए हैं।